पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ते दामों के चलते देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। आम आदमी, आम जनमानस की जो जेब है उस पर बुरी मार पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले छः दिनों में 5 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल की अगर हम बात करें तो राजधानी जयपुर के अंदर 110 रुपये के करीब पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। 109 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के दाम आप देख सकते हैं। और वहीं अगर डीजल की बात करें तो डीजल भी हाहाकार मचा रहा है। पेट्रोल के बाद डीजल की दाम में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर डीजल की बात करें तो 100.42 पैसे डीजल के दाम पहुँच चुके हैं, जिसके चलते आम आदमी पूरी तरह त्रस्त है। और अगर हम बात करें आम लोगों से तो किस तरह से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो डीजल के दाम है वो न सिर्फ आम लोगों पे बल्कि कई जो चीज़ें हैं उसके ऊपर असर डालती है। अगर हम आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि किस तरह से इसका असर पड़ रहा है, आम लोगों पे असर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो मालगाड़ी माल भाड़ा वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं। जो पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, किस तरह से आप देखते हैं, क्या असर हो रहा है? क्या असर बताएं सर, क्या पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, इसी कारण से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं गाड़ी चलाने में, ये वो हो रहे हैं। लेकिन क्या करें सर, कमाई तो हो नहीं रही, क्या करें कि धंधा पानी बिल्कुल कम पड़ गया और पेट्रोल भी। माल भाड़े को आप लेकर आते जाते हैं, उस पर क्या असर पड़ रहा है, क्या उसके अंदर कमी आ रही है, या फिर इतने महंगाई होने की वजह से आपके जो जेब में जो बचता है वो कम बचता है? वो तो सर कम ही बचता है सर, क्या है सर, माल कम बढ़ते हैं लेकिन पेट्रोल गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल खाती है, तो इस कारण सर पैसे भी कम ही बचते हैं और ज़्यादा पैसे जेब में से लगते हैं सर। पैसे जेब में से जा रहे हैं। आइए, जो किस तरह से आप यहाँ पे पेट्रोल भरवा रहे हैं, किस तरह का असर देखने को मिलता है, क्या किस तरह से आपकी जेब पे सीधा असर हो रहा है, क्योंकि 110 रुपये के करीब पेट्रोल पहुँच चुका है? क्या डीजल तो महंगा हो ही रहा है, महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी, आप जानते हो कि 100 रुपये का डीजल हो रहा है तो हर चीज़ में महंगाई बढ़ेगी। तो मोदी जी को तो कम करना चाहिए, जैसे 60 रुपये डीजल का कहा था तो 100 रुपये तक पहुंच चुका है, तो महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ रही है। तो क्या जो एक GST को लेकर बात हुई थी कि GST दायरे में लाया जाएगा, लेकिन उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकार कर दिया, क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे क्या फ़र्क पड़ा है? तो क्या आप चाहते हैं कि GST के दायरे में लाया जाए? लाना ही चाहिए GST के दायरे में, तो क्या दिक्कत है? लोगों का कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के अंदर वादा किया था कि जो पेट्रोल के दाम हैं वो लगभग 60 से 62 रुपये लाया जाएगा, लेकिन ये जो दाम है वो 110 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं। चलिए आइए हम कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि आखिर किस तरह से जो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसका किस तरह से असर हो रहा है। हम आम लोगों से भी जानेंगे कि छोटी गाड़ी वाले लोगों को क्या किस तरह की समस्या हो रहा है, क्योंकि जो एक लोडिंग गाड़ियां हैं, लोडिंग गाड़ियों के साथ समस्या डीजल की आती है, लेकिन जो छोटी गाड़ियां हैं उनके साथ भी पेट्रोल की समस्या है, क्योंकि जो पेट्रोल है उसके दाम भी बढ़ गए हैं। सर, पेट्रोल के दाम में जो बढ़ोतरी हो रही है राजधानी जयपुर में, 110 रुपये प्रति लीटर के आसपास पहुंच चुका है, क्या कहें? आग लगा दो। किने आग लगाई था? 490। क्या आपकी कोई अपील है राज्य सरकार, केंद्र सरकार? बाल दौड़ा बता नहीं सकता, 500 रुपये पेट्रोल डला है, अभी 40 किलोमीटर गाड़ी चली है, ओनली 40 किलोमीटर। किस तरह से आम दिनों में आपको डेली आपकी मतलब कि जो आम जनजीवन है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, उसके अंदर किस तरह से अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि एक बजट कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है इसके चलते? पहले कार चलाते थे, अब वो चलाते हैं टू व्हीलर पे आ गए। तो वही लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि पहले जहाँ बाइक कार चलाया करते थे, एक कार से इधर उधर जाया करते थे, लेकिन जिस तरह से महंगाई की मार पड़ी है उसके चलते अब टू व्हीलर चलाना पड़ता है, लेकिन टू व्हीलर के अंदर भी वही पेट्रोल भरवाना पड़ता है जो कि 109 रुपये प्रति लीटर के ऊपर पहुंच चुका है। आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या एम्बुलेंस के साथ हैं, क्या आप एम्बुलेंस चलाते हैं, हालांकि आपको अस्पताल की तरफ से मिलता होगा, लेकिन उस फिर भी क्या असर देखने को मिलता है आपका? डीजल बहुत महंगा हो रहा है। किस तरह का असर आप
आपकी लाइफ में आप पड़ा हो, आप खुद पर्सनल भी चलाते होंगे कोई ना कोई गाड़ी। सर यही हो रहा है कि प्राइवेट जॉब करते हैं और सैलरी बढ़ती नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल इसलिए परेशानी में आ रहे हैं। क्या कम होनी चाहिए इसकी कीमत? कम होना चाहिए। कैसे? केंद्र सरकार को कम करना चाहिए, राज्य सरकार को? अभी तो दोनों सरकारों को देखना चाहिए किसको, क्योंकि राज्य सरकार कहती है, गहलोत सरकार कहती है कि केंद्र सरकार कम करे। अभी तो गहलोत सरकार का है या तो रास्ता, अभी तो गहलोत सरकार को कम करना चाहिए, केंद्र को नहीं करना। हम तो इनको ही बोलेंगे ना, अभी हमारा तो यही है ना। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वो कम किए जाने चाहिए, क्योंकि आम आदमी के ऊपर जो मार पड़ रही है वो सीधे तौर पर इसकी वजह से पड़ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है वो कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पे मार पड़ती है उससे। आइए कुछ और जो बाइक्स वाले हैं उनसे हम बात करते हैं, किस तरह से आपको पेट्रोल और डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, 110 रुपये प्रति लीटर राजधानी जयपुर के में पहुंच चुके हैं लगभग, क्या कहेंगे भैया? क्या करें, अब जो रेट है वो तो देना ही पड़ेगा ना, गवर्नमेंट का रहेगा पेट्रोल का, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। क्या सरकार को कम नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली कम करना चाहिए भैया, बहुत ज़्यादा है ये तो रेट। केंद्र सरकार को कम करना चाहिए, राज्य सरकार को कम करना चाहिए? कोई भी कह रहे सर, गवर्नमेंट अब जो रेट के मतलब रेट क्योंकि प्रदेश की जो गहलोत सरकार है वो कह रही है कि केंद्र सरकार कम करे, उन्होंने एक्साइज ड्यूटी और 10 तरह के टैक्सेस लगा रखे हैं। तो सर गवर्नमेंट को करना चाहिए, जिसकी अभी करंटली गवर्नमेंट है उसको करना चाहिए, राजस्थान का जो भी देख रहे हैं। एक बात जीएसटी को लेकर भी था कि जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे इनकार कर दिया कि हम फिलहाल इसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे। क्या आप इसकी पैरवी करते हैं कि जीएसटी में आना चाहिए? अभी मैं निकलना है, मुझे मैं निकलता हूँ। तो भाई साफ तौर पे चाहे माल गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति हो, टेम्पो ट्रक चलाने वाला व्यक्ति हो, कार चलाने वाला व्यक्ति हो, या फिर बाइक वाला ही व्यक्ति क्यों ना हो, हर किसी के लिए कहीं ना कहीं ये जो 110 रुपये प्रति लीटर के आसपास जो पेट्रोल पहुँच चुका है और 100 रुपये से ऊपर जो डीजल के दाम पहुँच चुके हैं, उससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह जेब पे असर पड़ रहा है। सर क्या 110 रुपये प्रति लीटर के आसपास राजधानी जयपुर में पहुँच रहा है, डीजल के दाम भी 100 रुपये से ऊपर पहुँच चुके हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी, क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, गरीब मारा जाएगा, और दिहाड़ी वालों को तो बिल्कुल मरण है, एक तरह से काम धंधे ही नहीं हो पा रहे हैं। क्या आपकी अपील, क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? केंद्र सरकार से यही अपील करेंगे, पेट्रोल के दाम घटाएं और आमजन को रोजगार दें। डीजल को लेकर क्या, क्योंकि डीजल से कहीं ना कहीं न सिर्फ आपके गाड़ियों का रहेगा बल्कि सब्जी और दूसरे जो सामान है, राशन के सामान है, उन पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा सर तो महंगाई तो बढ़नी है, जब डीजल बढ़ गया तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो महंगाई अब ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। कहीं ना कहीं आपका बजट बिगड़ा इससे? बिल्कुल बिगड़ेगा हमारा बजट। साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं उसके चलते कहीं ना कहीं उनका बजट बिगड़ा है, जिसके चलते आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, पेट्रोल 110 रुपये प्रति लीटर राजधानी जयपुर में पहुंचने वाला है, डीजल के दाम की बात करें तो डीजल के दाम भी 100 रुपये के पार कर गए हैं, क्या कहेंगे? तो बढ़ता ही जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है सब जगह। कम नहीं किया जाना चाहिए? कम तो होना ही चाहिए सब जगह, आप देखो ना, हरियाणा में देखो कम है, गुजरात में कम है, पता नहीं राजस्थान में क्या है। देश के 26 राज्यों में 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल पहुंच चुका है। अब क्या बोलेंगे, दूसरे राज्य को देख के कम से कम ये तो देखें, जब देश एक है तो एक जगह सब जगह एक ही रेट होना चाहिए। कहीं क्या केंद्र सरकार को भी नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, केंद्र सरकार को भी करना चाहिए। केंद्र सरकार पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे उनको। आखिर हरियाणा कैसे कम कर रखा है, गुजरात कैसे कम कर रखा है, यहाँ क्या है उनको? अच्छे दिन के वादे किए गए थे, कहा गया था कि 60-62 रुपये पेट्रोल होगा जी, ये आपके सामने है, क्रूड ऑयल सस्ता है फिर भी ये पेट्रोल महंगा है। डीजल से भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है, क्योंकि डीजल के चलते जो खुदरा जो दूसरे ट्रांसपोर्टेशन वाली गाड़ियां हैं उसके ऊपर असर पड़ता है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से सब्जी और राशन के दामों में सीधे तौर पर बढ़ोतरी होगी। आप देख लो हर जगह हर चीज़, अगर कोई पहले जो जैसे कोई सपोज कोई भाड़ा की गाड़ी लेते थे, पहले सीधे 1000 रुपये एकदम बढ़ गया, सीधा उस पर 1000 रुपये इफेक्ट आ गया है। आप ये मान लो पहले 1000 रुपये भाड़ा था, अभी 2000 रुपये भाड़ा हो गया,
कहीं ना कहीं लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि जो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसके चलते सीधे उनकी जेब पर असर हुआ है। और केंद्र की मोदी सरकार हो चाहे राज्य की गहलोत सरकार, पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाने चाहिए। डीजल के दाम बढ़ना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, क्योंकि इसके चलते जो कि सब्जियां और राशन या दूसरे जो लोडिंग के सामान है या दूसरे जो किसी भी तरीके के सामान है उसके अंदर कीमत में बढ़ोतरी होती है, लिहाजा इसे कम किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने इसको GST के दायरे में लाने की भी बात कही है, मांग की है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम पे क्या करती है। हालांकि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर डालती है और केंद्र सरकार राज्य सरकार पर डालती है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं आम आदमी पिस रहा है। मैं अनिश शेखर, कैमरा पर्सन हेमंत शर्मा के साथ